गाइज वेलकम बैक इन माई चैनल। और वापस से मैं आ चुकी हूँ। मेरा नाम एक्चुअली आलसी एंजल रख दो आप लोग। एंड बहुत सारे ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, मेरे को डालने बहुत टेंशन हो रही है कि मेरे पास इतने सारे ब्लॉग्स भी हैं और मैं डाल भी नहीं रही हूँ, तो ये गलत बात है ना भाई। और मैं सोचूँ डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, इट्स मच बेटर। सो मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो बीच में 2 या 3 दिन का गैप होगा, उसके अलावा डेली व्लॉगिंग्स मैं डाल रही हूँ। सो व्लॉग तो मैं कभी भी डाल सकती हूँ। और एक और स्पेशल अनाउंसमेंट मैं लास्ट में करूँगी, इस प्रीवियस व्लॉग पे मैं सोची थी करूँ बट उसमें मैंने नहीं करी, तो आज मैं इस व्लॉग में डेफिनेटली करूँगी। हे गाइस तो वेलकम बैक इन माय चैनल। और एक और व्लॉग में स्टार्ट करने जा रही हूँ, मम्मी से चुप चुप के नहीं, चुप चुप के नहीं, थोड़ा डांट पड़ जाएगी। तो आज का व्लॉग दिवाली की सफाई से रिलेटेड है, मतलब बस मैं दिखा रही हूँ डेली व्लॉगिंग के टाइप से। और बोर हो गए, पका दिया, कोई बात नहीं। तो ये रूम हमने क्लीन कर दिया, मतलब 3-4 दिन ब्लॉगिंग नहीं हो रही थी तो 3-4 दिन में हमने ये रूम क्लीन कर दिया। मतलब एक दिन में ये रूम क्लीन किया पूरा, देखो वॉश किए तो जंगले वगैरह सब। और अभी चल रही है स्टोर रूम की क्लीनिंग, और ऊपर एक और रूम क्लीनिंग कर दिया, वो अब मैं आपको बाद में दिखा दूँगी ना। वाट लगी पड़ी है पूरे, तो उस रूम की दिखाती हूँ जिसमें भी क्लीनिंग चल रही है। तो हो ही नहीं सकता कि घर में काम चल रहा है मेरे को काम ना मिले। तो मेरे को भी काम मिल चुका है कि क्लीनिंग, मतलब रसोई क्लीनिंग कर दो और थोड़े बहुत यूटेंसिल्स पड़े हैं वो क्लीन कर दो। सीधी सट बात बर्तन धो दे और थोड़ी रसोई साफ कर दे, ठीक है। और एक एप्रेन है ना हमारे, धूल खा रहा था, मैंने सोचा यार इसका भी यूज़ कर लिया जाए थोड़ा सा ना, मतलब पैसे खर्च करके लाए आखिरकार। पैसे खर्च किए भाई, यूज़ क्यों नहीं करेंगे। तो मैं एप्रेन को पहनने जा रही हूँ, सोचूँ आज पहन लेती हूँ, सुबह यूज़ तो हो जाएगा कम से कम।
हील दे नाल मैं कटिया एक साल वे मैनू कदे तले जिया कर तू शॉपिंग माल वे मेरे नाल दिया सब पार्लर सजदिया रहदिया।